आप में से किस किस को पढ़ने का शौक है किताबें पढ़ने का सो so, जिस तरह आपको किताबें पढ़ने का शौक है और इसी तरह उसको रीडिंग कहा जाता है इसी तरह वर्ड में देर आर स्पेसिफिक ऑप्शन सेटिंग्स में जिनको हम रीडिंग कहते हैं हम इनको रीडिंग क्यों कहते हैं बिकॉज दीज सेटिंग्स मेक द स्ट्रक्चर ऑन हाउ योर व्यूअर्स योर यूजर्स रीड ऑन योर वर्ड प्रेस वेबसाइट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि द यूजर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑन योर वेबसाइट दे आर द पीपल हु कम टू योर वेबसाइट एंड गिव यू टाइम आपके कंटेंट को वो कंज्यूम करते हैं ताकि आप पैसे बना सके यूजर्स आर एवरीवेयर दुनिया में हर जगह यूजर्स फैले हुए हैं कराची में लाहौर में इस्लामाबाद में इस्तेम्बोल में लंदन में यूएस के कोने कोने में यूजर्स आर एवरीवेयर तो जरूरी है कि आप उनके लिए एक ऑप्टिमल एक ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस क्रिएट करें सेटिंग्स आर द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस जैसे मैंने आपको बताया था सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया बी वेरी केयरफुल बी वेयर बताया था मैंने आपको पहले भी कि ये सेटिंग्स एरिया आपने बड़े सोच समझ के एडिट करने है। और यह मैं आपको बार बार कहता रहूंगा बिकॉज द सेटिंग एरिया इज नो जो द रीडिंग सेटिंग एरिया जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपकी साइट पर कोई आएगा तो सबसे पहले उसको आपका कॉन्टेंट नजर आएगा आपके होम पेज पे तो द रीडिंग सेटिंग एरिया अलाउज यू टू सेट कि कौन सा कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं यू कैन डिफाइन वेदर योर फ्रंट पेज डिस्प्लेज अ स्टैटिक पेज और योर ब्लॉग पोस्ट स्टैटिक पेज क्या होता है एक स्टैटिक पेज एक सिंपल पेज होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती इट्स जस्ट देयर ब्लॉग पोस्ट आर रिवॉल्विंग बेस्ड ऑन रीसेंट कंटेंट तो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं उस एरिया में और आप ये भी सेट कर सकते हैं कि कितनी ब्लॉग पोस्ट आप अपने होम पेज पर पे दिखाना चाह रहे हैं अगर आपने सौ ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की हुई है तो आप सौ की सौ होम पेज पर पे नहीं दिखाना चाहेंगे क्यों क्योंकि उससे आपकी साइट का लोडिंग टाइम बहुत तेज हो जाएगा तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक बी वेरी वेरी केयरफुल वेन यू आर डिसाइडिंग वॉट टू पुट ऑन योर होम पेज

प्लीज बी वेयर दैट दिस इज़ वेरी क्रिटिकल अगर आपने गलती से ये सेटिंग डिसेबल कर दी तो सर्च इंजन विल नॉट बी एबल टू व्यू योर वेबसाइट एंड यू वॉन्ट बी एबल टू डू एस सी ओ ऑफ योर कॉन्टेंट टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस और इसको देखें समझें पहचाने जैसा आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है कि ये सेटिंग्स क्या हैं जो फ्रंट पेज की सेटिंग है उसमें आप ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं पेज सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरे सेक्शन में आप अपनी नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड थर्ड सेक्शन में यू कैन सेलेक्ट द विजिबिलिटी इस सारी चीज़ों को थोड़ा एब्जॉर्ब करें देखें कि ये क्यों ज़रूरी है सर्च इंजन क्यों ज़रूरी है ब्लॉग पोस्ट का होना क्यों ज़रूरी है बिकॉज जब तक आप डीप किसी सिस्टम को समझेंगे नहीं तब तक आप उस सिस्टम का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे वर्ड प्रेस इज अ सिस्टम इसीलिए वर्ड प्रेस को कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है तो बहुत जरूरी है कि आप देखें सोचें और समझें कि क्यों वर्ड प्रेस की सेटिंग्स को यूज करना है कैसे यूज करना है कहाँ यूज करना है अभी तक हमने बात की जर्नल सेटिंग्स के बारे में जर्नल सेटिंग्स क्या है जर्नल सेटिंग्स इज अ स्मॉल एरिया विच अलाउज यू एंड टीचेज यू हाउ टू चेंज डिफरेंट सेटिंग्स ऑन योर वेबसाइट बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू चेंज द रीडिंग सेटिंग्स रीडिंग सेटिंग को हम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं बिकॉज दोज आर द सेटिंग्स विच आर डिस्प्लेड फॉर योर यूजर्स एंड हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वर्ड प्रसिको सिस्टम इट इज द यूजर्स सो पहले हम अपनी वेबसाइट को लाइव देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ कॉन्टेंट कैसे नजर आ रहा है आप देखते हैं एक, एक इमेज नजर आ रहा है कुछ पोस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं बल्कि और साथ ही साथ पेजेस अलग से हैं तो आई कैन गो टू रीडिंग सेटिंग्स एंड यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन चेंज द साइट एंड आई कैन से कि मुझे अपनी साइट के होम पेज पे ब्लॉग पोस्ट नहीं चाहिए आई वॉन्ट अ स्टैटिक पेज सो आई विल क्लिक ऑन अ स्टैटिक पेज एंड आई विल क्लिक ऑन होम पेज कॉन्टैक्ट तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा कॉन्टैक्ट पेज है वो मेरा होम पेज बन जाए तो so जब आप अपने मैं होम पेज पर जाऊंगा इट विल शो मी मेरे कॉन्टैक्ट पेज का कॉन्टेंट सो नाउ दिस हैज बिकम माई होम पेज इसी तरह अगर मैं अपना ब्लॉग पेज चेंज करना चाहूं, तो मैं डी स्किल्स को अपना ब्लॉग पेज बना देता हूं तो आप देखेंगे कि वो ब्लॉग पेज बन चुका होगा देखें अब यहां पे सारे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे इन हाउ यू कैन चेंज द ब्लॉग पेज आई रिवर्ट दिस सेटिंग और मैं अपनी पोस्ट को होम पेज पे ले आऊंगा बिकॉज आई लाइक टू हैव फ्रेश कॉन्टेंट

करना चाहते हैं आप सर्च इन विजिबिलिटी रखना चाहते हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको टच ना करें ताकि आप सर्च इंजनस को एम्पावर करें कि वो आपकी साइट को आकर स्क्रॉल करें और कंटेंट को क्रॉल करके रख सकें सो नाउ आई वांट यू टू गो टू दिस वेबसाइट विच यू ऑलरेडी फेमिलियर विद विच इज डी जी स्किल्स डॉट पी के वाई बिकॉज आई थिंक वी आर पार्ट ऑफ दिस ग्रेट कम्युनिटी तो जाके एल एम एस पे लॉग इन करके क्वेश्चन पूछे हमसे डायरेक्टली एंड लेट्स ट्राई टू कनेक्ट लेट्स ट्राई टू लर्न लेट्स ट्राई टू एम्पावर ईच अदर सो वी कैन बी सक्सेसफुल नॉट इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली एंड पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर